हेलो एवरीवन, निशाद फूड मैजिक में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मैं बिहारी समोसे की रेसिपी। इसके लिए हमने यहाँ पे मैदा लिया हुआ है, मैदे में थोड़ा सा डाला है नमक और थोड़ी सी डाली है कलौंजी, और डाल दिया है यहाँ पर 3 से 4 चम्मच देसी घी, और डाल के अच्छे से इसका हम मोयन करेंगे। तो अच्छे से घी को मैदे के साथ मिक्स करना है, और जितना अच्छा आप इसे मिक्स करेंगे उतना ही अच्छा समोसा आपका बनके तैयार होगा। मोयन अच्छा लगा है या नहीं इस तरह चेक कर सकते हैं कि इस तरह से मुट्ठी बनाएं। तो ये अगर अच्छी तरह बंध रहा है इसका मतलब है कि मोयन आपका अच्छा लगा है, वरना आप थोड़ा सा घी इसमें और ऐड कर सकते हैं। तो मोयन हमारा लग गया है, इसमें हम थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते हुए इसका एक हार्ड डो लगा के तैयार करेंगे। ध्यान रखें पानी बिल्कुल थोड़ा डालें इसमें शुरू में, और बिल्कुल आप थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और अच्छी तरह से इसे एक इकट्ठा करने की कोशिश करेंगे तो ये फाइनली इकट्ठा हो जाएगा। और कम पानी में ही आपको इसको गूंदना है और काफ़ी हार्ड डो लगा के तैयार करना है। तो चलिए देखिए, ये डो हमारा काफ़ी हार्ड है, अभी इसको हम ढक के रख देंगे 15 मिनट के लिए, और तब तक चलिए इसके लिए हम फिलिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने सरसों का तेल लिया हुआ है, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी मूंगफली, और मूंगफली को हम भून के निकाल लेंगे। तो बिहारी समोसे की स्टफिंग का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है जो और जगहों पे नहीं यूज़ होता है। तो बंगाल में भी इसे यूज़ किया जाता है समोसे की फिलिंग में, और बिहार में भी इसे डाला जाता है। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है फिलिंग का। बचे हुए तेल में यहाँ पे डालेंगे एक तेज़पत्ता, थोड़ा सा डालेंगे हम पंचफोड़न। अक्सर लोग पूछते हैं कि पंचफोड़न क्या होता है, तो पंचफोड़न राई, मंगरेला और सौंफ, ज़ीरा और मेथी दाना का मिक्सचर होता है। ये कोई भी पंसारी की दुकान पे अवेलेबल है, तो उसे हम डाल देंगे और डाल के हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और इसमें अब हम ऐड करेंगे अदरक, हरी मिर्च बारीक कटा हुआ है, और यहाँ पे प्याज भी है बारीक कटा हुआ। तो 1 मिनट के लिए लगभग प्याज को जब तक सॉफ्ट नहीं हो जाए तब तक पका लेंगे। तो यहाँ पे प्याज हमारी सॉफ्ट हो गई है, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा डालेंगे धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और डालेंगे हम रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर डाल के एक बार भून लेते हैं इसे। और डाल देंगे हम यहाँ पे बॉईल किया हुआ आलू। तो आलू को हमने बॉईल करके रखा है और छोटे पीसेस में कट कर रखा है, तो इसे हम डाल देंगे, और डालने के बाद इसको भी हम थोड़ा सा मसाले के साथ भून लेंगे। तो थोड़ा सा मैश भी करते रहना है आलू को, और इस तरह से हमको भूनना है। तो देखिए ये आलू हमारा लगभग बनके तैयार हो गया है स्टफिंग के लिए। इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा चाट मसाला, या फिर आपके पास अगर आमचूर पाउडर है तो आमचूर पाउडर, और डालेंगे हम थोड़ा सा गरम मसाला, डालेंगे हम यहाँ पर धनिया की पत्ती, और लास्ट में हम डाल देंगे जो मूँगफली फ्राई करके रखी थी उसे भी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इस मिक्सचर को हम कम्प्लीटली ठंडा होने के लिए देंगे, फिर हम भरते हैं इसे समोसे के अंदर। तो तेज़पत्ते को हम डिस्कार्ड कर देंगे, और ये जो हमने डो बना करके रखा था इसे हम 2 से 4 मिनट और अच्छी तरह से गूंदेंगे, और गूंदने के बाद इस तरह से इसके हम लोइयां काट लेंगे। और जैसे रोटी बेलते हैं वैसे ही आपको इसको बेल लेना है। और बेलने के लिए आपको अगर बहुत ज़रूरत हो तो आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं, अदरवाइज़ आप आटा का इस्तेमाल नहीं करें वरना तेल ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बेल लेना है, और बेलने के बाद इसको हम बीच से इस तरह से कट कर लेंगे। इसमें हम चारों तरफ से इस तरह से पानी लगाएंगे, और इसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद जो नीचे वाला हिस्सा है इसे हम इस तरह से अच्छे से सिक्योर कर लेंगे दबाकर, ताकि फिलिंग बाहर नहीं निकले। अब इसमें हम डालेंगे फिलिंग को, और इस तरह से एक फोल्ड बनाएंगे, और उसके बाद इसको हम इस तरह से चिपका देंगे, और इसी तरह से पूरा हम ऊपर से सील कर देंगे। तो चलिए ये समोसा हमारा तलने के लिए तैयार है। इसी प्रोसेस से सारे समोसे बना करके हम तैयार कर लेंगे।
तो चलिए सारे समोसे रेडी हो गए हैं, अब इसे हम फ्राई करते हैं। तेल को बिल्कुल हल्का गरम किया हुआ है हमने। अगर आपने थोड़ा भी तेल ज़्यादा गरम में इसको डाला तो इसमें बबल्स आ जाएंगे, बिल्कुल ही समोसा अच्छा नहीं बनेगा। मैं तेल को बिल्कुल हल्का सा गरम कर रहा हूँ और उसमें हम उसको हल्के गरम तेल में ही इसको हम सेकेंगे, तो इस सेकने में ही काफ़ी वक्त लग जाता है इस समोसे को, तभी समोसा अच्छा बन के तैयार होता है। तो कम से कम मुझे 7 से 8 मिनट लग गए हैं एक बार समोसे को सेकने में। तो देखिए क्या बढ़िया सा कलर आ रहा है इस समोसे का, और कहीं पे कोई बबल नहीं है, अच्छी तरह से ये इवनली सिक रहा है। तो समोसा हमारा बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, इसे हम निकाल लेंगे और फटाफट से सर्व करते हैं इसे। तो आप चाहे तो इमली की चटनी के साथ सर्व करें, या हमारे वहाँ पे तो इसको प्याज के साथ भी सर्व किया जाता है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को आप ट्राई ज़रूर कीजिए। रेसिपी अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी यूज़फुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ये कम्प्लीटली फ्री है। अगली बार फिर मुलाकात होगी इसी जैसे कुछ और रेसिपीज़ के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।